अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं पोई का बीज का उसका डंठन का सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को बताई थी कि मैं बनाऊँगी, तो इसका सब्जी का रेसिपी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। साफ से इसे मैं दो पानी से इसको अच्छे से धो लूँगी। देखिए अच्छे से इसको रगड़ के धो लेना है। उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा के सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ा गर्म हो जाती है तो मैं इसमें जीरा और मिर्च का फोड़न डाली हूँ। उसके बाद थोड़ा चटक जाएगी तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। थोड़ा प्याज डाल के थोड़ा सा लाल हो जा रही है। उसके बाद मैं वो पोई का डंठन उसकी बीज को डालूँगी। ये मसाला निकाल ले रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक है और ये मिर्च, एक चम्मच मिर्च है और आधी आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया और गोल मिर्च आधी चम्मच। इसको निकाल के रख ली हूँ। उसके बाद वो बीज डंठल को डालूंगी। देखिए ये लाल हो गई है थोड़ा हल्का प्याज, तो उसमें डाल के थोड़ा भूज लेना है। ये थोड़ा भुजा आ जाएगी उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी। लकड़ी के आंच में बहुत अच्छी बनती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए इसमें मसाला डाल दी हूँ। अब इसको मैं भूनूंगी। जो मैं मसाला निकाली थी उसी को डाल दी हूँ। उसको अच्छे से मसाला मिला के भूज लेना है। सब में मसाला मिक्स हो गई है। नमक डाल रही हूँ। अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए जैसा आपको पसंद हो। थोड़ा हींग डालना है। हींग डालने से अच्छी रहती है। ये भुजा गई है अच्छे से। पानी डाल दे रही हूँ गलने के लिए। अब धीमी धीमी आंच में अच्छे से गल जाएगी। पानी डाल के अब इसको छिपा देना है। फिर बीच बीच में चला के देख लेना है गली है या नहीं। अभी थोड़ा और गलेगी। इसको थोड़ा 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। देखिए ये हो गई है तैयार, गल गई है अच्छे से। इसको मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए ये सारा सब्जी को मैं निकाल ली हूँ कटोरा में। अब इसी तरह आप लोग भी बना के देखिएगा, खा के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।